यहाँ पे ग्रिल किया जा रहा है, ये देखिए जैसे मेयोनीज से इसको भरा जा रहा है, ये देखिए बटर दिया जा रहा है अच्छे तरीके से, ये पूरा लोडेड होगा ये चीज़ से, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, भी है उसके साथ यहाँ पे लहसुन की चटनी भी दिया गया है, ये देखिए प्राइस देखिए बड़ा पाव का, और देखिए चीज़ पूरा मेल्ट होकर बाहर आ चुका है। इसके बाद हम आगे कोलकाता की मोस्ट पॉपुलर सेक्टर 5 एरिया की यहाँ की बड़ा पाव की दुकान पर, ये बहुत ही पॉपुलर है अपने सेक्टर 5 एरिया में, तो चलिए इनके ओनर से एक बार बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम मिलता है और क्या टाइमिंग है। सो अंकल आपका जो दुकान का टाइमिंग है एक बार बता दीजिए, क्या कब से कब तक बैठता है? सुबह 7 से रात के 10। क्या क्या आइटम मिलता है एक बार बता दीजिए? सैंडविच, बड़ा पाव, पाव भाजी, डिम्पल्स, बटर टोस्ट, मैगी। अच्छा, एक बार एड्रेस बता दीजिए आपको यहाँ पे प्रॉपर। फोर्ट लेक सेक्टर 5 डिप्रो। अच्छा, डिपो 3 नंबर। अच्छा ओके, बड़ा पाव देखता हूँ बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पे जो बड़ा पाव खाना बहुत ही पसंद करते हैं, तो मेरे लिए एक बड़ा पाव लगा दिया, देखते ट्राई करके कैसा है। सबसे पहले जा रहा है यहाँ पे हमारा जो है बड़ा, ये देखिए ये बड़ा डाल दिया गया ग्रिल के अंदर, अभी जाएगा ये यहाँ पे ओवन के ऊपर अच्छे से इसको जो है टोस्ट किया जाएगा, तो ये लगने जा रहा है हमारा बड़ा पाव, ये देखिए ये है ब्रेड, ये रेडीमेड खरीदा हुआ ना, ये देखिए ब्रेड, इसको अच्छे तरीके से स्लाइस किया जाएगा, ये देखिए अभी इसके ऊपर ये कौन सी चटनी है? ये धनिया पुदीना, ये धनिया पुदीने का चटनी, ये देखिए, और ये वाला ये आम सब खजूर, ये खजूर का, ये देखिए ये ब्रेड चटनी आ गया। अभी अनियंस, ये देखिए अच्छे तरीके से अनियंस दे दिया इसके ऊपर, ये आ गया इसके ऊपर, ये कौन सा चीज़ का मसाला है? ये सूखा चटनी है लहसुन का, ये सूखा चटनी लहसुन का, ये देखिए ये हमारा वड़ा, ये देखिए गर्मा गर्म वड़ा इसको यहाँ पे, ये आलू का रहता ना चीज़ आएगा, ये देखिए अच्छे तरीके से, और देखिए साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे जो है सर्व किया जाता है, ये देखिए अमूल का चीज़ यूज़ किया जाता है यहाँ पे हाई क्वालिटी का, ये देखिए वड़ा पाव के ऊपर अच्छे से इसको ग्रेट करके दिया जा रहा है, ये देखिए पूरा लोडेड होगा ये चीज़ से, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, 35, ये देखिए 35 का ये है, ये देखिए पूरा लोडेड है। अभी इसके ऊपर क्या आएगा, ये वाला मेयोनीज, ये देखिए अच्छे तरीके से मेयोनीज से इसको भरा जा रहा है, ये देखिए इतना ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर मेयोनीज दिया गया और पूरा साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, ये देखिए अभी ये रेडी हो गया, अभी रेडी नहीं, अभी इसको बटर से अच्छे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रिल किया जाएगा, ये देखिए बटर दिया जा रहा है अच्छे तरीके से, ये कौन सा बटर यूज़ किया जाता है यहाँ पे? अमूल बटर, अमूल बटर, ये देखिए हाई क्वालिटी इसका बटर, और यहाँ पे जो है चीज़ यूज़ किया जाता है, और इसके ऊपर मेयोनीज देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रिल के ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे ग्रिल किया जा रहा है, ये देखिए इतना अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे ग्रिल किया जा रहा है अभी, ये देखिए पूरा स्टोव में यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ग्रिलर के ऊपर ग्रिल किया जा रहा है, रेडी हो गया अभी, ये देखिए अच्छे से, ये देखिए चीज़ देखिए पूरा अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया यहाँ पे, पूरा जो बड़ा पाव का अच्छे, ये देखिए लबालब चीज़ से भरा हुआ है, ये देखिए चीज़ और बटर से लोडेड है, ये 35 रुपीज़ है, ये देखिए अभी इसके ऊपर ये कौन सा मसाला गया? चटनी, ये चाट मसाला, इसके ऊपर से अभी थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे चटनी मसाले के साथ, यहाँ पे साइड में चटनी भी सर्व किया जाता है, मीठी चटनी, ये लहसुन की चटनी और ये मीठी चटनी, ये रेडी हो गया। सो ये देखिए कोलकाता यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, कोलकाता का ये सेक्टर 5 में, ये यहाँ पे मुंबई स्टाइल में यहाँ पे बड़ा पाव बेचता है, ये देखिए तो इसको एक बार ट्राई करता हूँ और देखता हूँ ये कैसा लगता है ये खाने में। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया ये बड़ा पाव, ये देखिए चीज़ से लबालब भरा हुआ है ये बड़ा पाव, मुंबई स्टाइल में यहाँ पे बड़ा पाव बनाया जाता है, और इसका जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है, ओनली 35 रुपीज़ में इतना सारा क्वांटिटी में, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको जो है मीठी चटनी दिया गया है और उसके साथ यहाँ पे लहसुन की चटनी भी दिया गया है, ये देखिए तो मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ और ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है, और ये बटर से और जो है चीज़ से लबालब भरा हुआ है, ये देखिए कितना ह्यूज इसका साइज़ देखिए बड़ा पाव का, और देखिए चीज़ पूरा मेल्ट होकर बाहर आ चुका है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, मैं कौन सी साइड से ट्राई करूँगा, ₹35 में बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, तो ये देख सकते हैं साइज़ इसका कितना बड़ा सा साइज़ है इसका, ये देखिए तो ये तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही जस्टिफाई है, इसके अंदर जो है स्टफिंग भी दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे मेंटेन करके दिया गया है, और ये जो है अमूल का जो है सारा प्रोडक्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही टेस्टफुल है, आप इसे अगर चटनी के साथ भी नहीं खाना चाहते प्लेन भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया, और आपको अगर प्लेन खाना है तो प्लेन भी आप यहाँ पर जो ट्राई कर सकते हैं,
तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप कभी भी आते हैं आपका कोलकाता के सेक्टर 5 एरिया में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका जो यहाँ पे बस है उसका डिपो के बाजू में ये आपके यहाँ पे दुकान लगा दी आपका जो विट्रो के सामने है। तो मेरे हिसाब से तो हाईली रिकमेंडेड, अगर आप कभी आते हैं तो ट्राई कीजिएगा। और हाँ, और इसके जो स्टफिंग है साइज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा दिया गया है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी और स्टे।